हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन. वेल, लीनियर अलजेब्रा कल वाला क्लास तो आपने किया ही होगा, तो अगर रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो भी पूरा नहीं होगा आपसे. तो देखिए, ज़रा करते हैं काम. हाँ जी, लास्ट क्लास में जो टॉपिक आपने जो सच में टच किया है वो है डायगनाइजेबिलिटी. देखिए, अगर आपने इस पे मास्टरी कर लिया तो आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं रुकेगा. मतलब अल्टीमेटली ये सब कुछ करके दे देगा आपको, लेकिन इस पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है. तो डायगनाइजेबल में दो चीज़ें हैं, एक तो मैट्रिक्स के लिए आप डायगनाइजेबल पढ़ रहे हैं. सर वाईसी को कर रहा है सर, क्या कर रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही. आवाज आ रही है, इको हो रहा है। इको हो रहा है. रुको भाई, इको को इकोनॉमिकल बनाते हैं अभी. आओ भाई, प्रॉब्लम आ रही है इधर वॉइस में. बच्चे कह रहे हैं इको आ रहा है बहुत ज़्यादा. हेलो 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 हेलो. ये स्टूडेंट्स यहाँ है सर, मेरा गले में देखो. हेलो हेलो. अरे क्या हुआ भाई, कुछ आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है. यस सर, आ रही। अब कैसी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, ये ऑन है ना? अब ठीक है? यस सर, ओके. सो ये बिल्कुल एंड में हो रहा है ये टॉपिक डायग्नोजेबिलिटी, बट ये इट विल कवर ऑल. एंड इसी के अंडर कोई क्या नाम है आपका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए भी तैयार हो. कल तो देखा ही होगा आपने. तो भाई ये यहाँ थोड़ा बात करते हैं, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है. कल आपको ये बताया गया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डायग्नाइजेबल. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन If and only there exist basis consisting of ये लिखवाया है कभी? कल लिखवाया होगा, बोला था आपसे सेपरेटली करके, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा. अब मैट्रिक्स के लिए सुनिए ज़रा, इसी का भाई कॉरस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट. मैट्रिक्स ए इज डायग्नाइजेबल, ये याद कर लीजिए. आई विल टेल यू कैसे है. दोनों को देखो, ये इस पर बात कर लेंगे अभी. वो क्यों होता है, कैसे होता है. इट इज डायगनाइजेबल इफ एंड ओनली देयर इज अ बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ आइजन वेक्टर्स. विल आज नहीं तो कल विल वेरीफाई दिस. जरा इस पर बात करते हैं, ए इज डायगनाइजेबल इफ. ये क्या है, ये तो कल नहीं लिखवाया था. ये उनके लिए जो पढ़ के आए हैं, जो पढ़ के नहीं आए नमस्कार, फिर तो मुश्किल हो जाएगी अगर आप पढ़ के नहीं आए तो. देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए आप सभी लोग कल कल वाली क्लास पे. ए इज डायगनाइजेबल, दिस इज इफ एंड ओनली इफ ए इज सिमिलर टू सम डायगोनल मैट्रिक्स. विच इज इफ एंड ओनली इफ देयर इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट. जो लिखना है लिखिए, ए इक्वल टू लिख सकते या डी इक्वल टू, ए इक्वल टू लिख बी डी पी इनवर्स कर. तो ये आपको लास्ट क्लास में इतना बताया गया, ये डेफिनेशन हर बच्चे को आती है. और इसके आगे हम बढ़े थे कल, अगर आपको याद है तो. पहला पॉइंट आपको क्या लिखवाया गया था, आफ्टर द यस डी क्या होना चाहिए एंड सेकेंड पॉइंट पी क्या होना चाहिए. याद है किसी को? नहीं, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो आपका टॉपिक धड़ाम होगा 100. व्हाट इज डी एंड व्हाट इज पी, क्या बोलो भैया? प्लीज आंसर.
सर डी जो है उसके डायगोनल एंट्रीज एगेन वैल्यूज होने चाहिए। गुड। और पढ़ा पी जो है वो आइगन वेक्टर से जनरेट होना चाहिए कोरिस्पोंडिंग। अभी का पहला क्वेश्चन कराऊंगा आपको जेएम एमएस 2020 का, देखना जरा क्या क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। कैन यू बिलीव दिस कि एमएस में देखना, अभी आप खुद देख लीजिए। तो डी इक्वल टू डायगोनल कंसिस्टिंग ऑफ या डायगोनल मैट्रिक्स। आपको बता के या हमें बता के थोड़ा ना पेपर सेट करेंगे। अच्छा पी में क्या होना चाहिए? यस मैट्रिक्स उस कॉलम्स आर। अब बोलो बाबा, कल लिख के दिया था यार, पढ़ के नहीं आए, निराश कर दिया तुम लोगों। और अगर कल आपने ध्यान दिया है तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था। मान लीजिए यस ये पहला आइजन वैल्यू, दूसरा आइजन वैल्यू, तीसरा आइजन वैल्यू, जीरो जीरो, जैसे भी जिस भी ऑर्डर में आप लिख रहे हैं। तो इस लैम्डा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपका आइजन वेक्टर एक्स वन है, लैम्डा टू के कॉरेस्पॉन्डिंग और लैम्डा थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स थ्री, तो ये पी जो है वो अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा एक्स वन एक्स थ्री। याद है अगर आप ये आइजन वैल्यूज को ऑर्डर चेंज करेंगे तो लास्ट क्लास में बताया था आपको। यस महापुरुषों, बताया है या नहीं बताया है? Yes, अब जरा और गहराई में उतरने वाली चीज है भाई, ये नहीं पकड़ सकते अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे साथ। ये पी देखिएगा जरा ध्यान, एवरीवन पी के अंदर बैठा है एक्स वन एक्स टू। जरा आपने ऑब्वियसली कॉलम अगर आप ओपन करेंगे डॉट 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 डॉट। हाँ जी आस्क योर इज इट इन्वर्टिबल। बोलो महापुरुषों अगर ये इन्वर्टिबल है, अगर ये इन्वर्टिबल है यानी इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा एन क्रॉस एन। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दैट सिंपली मीन्स तो रैंक के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल कॉलम्स देख। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है प्रैक्टिकली बताइए उसके कॉलम्स आपस में कैसे होंगे? एल डी होंगे एल आई, ऑब्वियसली एल आई, देयरफॉर ऑल कॉलम्स मस्ट बी। बोलो बाबा एल आई। तो ये जो कॉलम्स हैं ये क्या है? ये तो आइजन वेक्टर्स हैं, दैट इज There exists linearly independent। बोलिए यही आपको पिछले पेज पे लिखना है। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तुम्हारे से पूछ के पेपर सेट होगा ना मुझसे पूछ के, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये देखो जरा डायगोनलाइजेबल से शुरू किया और कहाँ पहुँचे आप, इज इट ओके? ये दोनों चीज़ें हैं आपके सामने, कल ये सेपरेट करके लिखवाया गया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और आज आपने मैट्रिक्स के लिए देख लेना। एक मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा? अगर उसके पास n इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स, अगर n इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स नहीं है तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता, नहीं हो ही नहीं सकता। पढ़ते रहिए, ये होता रहेगा क्लास में होता रहेगा। हाँ जी इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस हेलो। ये आपको रीज़न दिया गया है, थोड़ा ओपन कर करके दिखा दिया कि सच में ऐसा होता है। बढ़िया, ये पहला क्वेश्चन है आज का। अगेन एग्जाम के क्वेश्चंस ही करने हैं, उसके थ्रू जो मज़ा आता है वो तो अनपैरेलल है। करिए भाई, देखो सोच आपको भी पता है अब पढ़ तो नहीं। पहला क्वेश्चन
इस आप लोग करना ये कहाँ का एमए का नेट का गेट का कहाँ का क्वेश्चन है देखो जरा देखो देखो अच्छे से देखो ये देख के कुछ याद आ रहे हैं हाँ रोना आ रहा होगा देख देख के एग्जाम में सर भी यही होगा 92 एग्जाम में भी यही होगा सुनना तो कुछ है नहीं जो जो कराया जा रहा है एज इट इज करके आए कीजिए एज इट इज जैसे जैसे कराया जा रहा है विदाउट फेल हाँ क्या आंसर दिया आपने ओके 92 ओके यस ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग देखिए अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया प्लीज स्टॉप राइटिंग बोलना नहीं चाह रहा हूँ अभी तो लिखना बंद करो जरा अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो ये टर्म आपको बार बार नॉक कर रही होगी ये है तो डायगनाइजेबिलिटी से रिलेटेड ही जरा इस पर दो तीन बातें करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है बात की बात है जरा देखिए एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप बी इनवर्स जिन्होंने अलजेब्रा वगैरह पढ़ा है हमारे आपको पता ही होगा तो जब आप nth पावर लेंगे तो क्या होगा nth पावर ए के साथ चला जाए याद मत करिए थोड़ा हाथ पैर चला लीजिए एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज बी इनवर्स ए बी का इसको सभी लोग ध्यान दें यहाँ पे दिस इज सेम एज बी इनवर्स ए बी अलॉन्ग विद बी इनवर्स ए बी दो पावर में तो क्या ही मज़ा आएगा थर्ड पावर ले लेते ध्यान दें आप सभी लोग इधर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपका सिलेबस प्रेम यहाँ साल ख़त्म होने को आया लेकिन तुम्हारा सिलेबस प्रेम नहीं ख़त्म हुआ यस दिस इज बी इनवर्स ए राइट नाउ सपोज दीज आर नंबर्स तो बी बी इनवर्स इज वन या आइडेंटिटी कह सकते हैं दिस इज ए दिस इज अगेन वन दिस इज ए दिस इज सी जरा बताइए वन हट के बीच में ए कितनी बार आ गया तो बोलो बाबा ये जो सो रहे हैं अभी नज़र आ गया आप लोगों को क्या होगा हाँ लास्ट क्लास डायगनाइजेबिलिटी अगर आपने बोल दिया है ए बी के साथ सिमिलर तो आप सिंपली बी को लिख सकते पी इनवर्स ए पी अब भाई वो पी इनवर्स ए पी लिखो या पी ए पी इनवर्स लिखो बात तो एक ही है यू आर राइटिंग बी इनवर्स ए पी और बी ए बी इनवर्स एक ही चीज़ है फटाफट बताइए व्हाट इज बी पावर 10 पता नहीं सर नहीं पता जाओ यहाँ से कैन यू रिलेट यस कैन यू कोरिलेट क्या आएगा तो जो लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा तो समझिएगा क्या पूछ रहे उसका थर्ड पावर पूछ रहे रुको भी देखो सब आ जाएगा जिसने लास्ट क्लास किया जिसने अभी वाला क्लास किया सब बड़े आराम से आएगा आप अनबिलीवेबल सोच भी नहीं सकते आप तो वैसे भी कुछ नहीं ओके आइए ज़रा ये मैट्रिक्स दिया है वो और क्या दिया है लेट पी बी आर इन्वर्टेबल नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इज दैट पी इनवर्स एम पी इज अ डायगनल मैट्रिक्स ये तो डायगनाइजेबिलिटी कह रहा है चिल्ला चिल्ला के अगर आपने ये प्रूव कर दिया यस तो दैट मीन्स यहाँ मान लेते हैं विच इज अ डायगनल मैट्रिक्स अब जरा अपने दिल से पूछिए जी ये और ये आपस में सिमिलर नहीं हो जाएंगे बोलते काहे नहीं
फिर वो तो गया डायग्नाइजेबल, और व्हाट व्हाट मोर यू वांट, दैट इज ए इज डायग्नाइजेबल. ये रिकॉग्नाइज करने के ऊपर है, ऐसे घुमा फिरा के देंगे. ए डी के साथ सिमिलर है देयरफॉर ए ना. आपको लास्ट क्लास में बताया था, अ मैट्रिक्स इज डायग्नाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगनल मैट्रिक्स. आर यू गेटिंग दीस थिंग्स? हेलो. यस सर. तो प्रेजेंट में बात करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ए बुला देते. हमने बहुत किया है, हमारे हाथ में तो कंफर्टेबल है, जिस सिंबल में वही लिखेंगे. आप एम के साथ कंफर्टेबल हैं, एम के साथ कर लीजिए. लेकिन आपका कंफर्ट तो नज़र आ ही गया, क्योंकि आंसर नहीं आया कहाँ का कंफर्ट. कोई बात नहीं, अब आएगा. मेरे साथ हो ऑल ऑफ यू. बी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डायगनल बोल दिया उसने, डायगनल मैट्रिक्स. भैया जरा ध्यान से देखना, बोलना नहीं बिल्कुल भी. सो दिस इम्प्लाइज ए इज सिमिलर टू सम डायगनल मैट्रिक्स. सामने देखते रहिए इधर. दिस इम्प्लाइज ए इज, ठीक है वो डायगनलाइजेबल सब बढ़िया. ये सब तो बता ही दिया था मैंने आप लोगों को. अब गहराई में उतर के जरा वो बताइए जो डॉट डॉट करके मैंने कल भी लिखा था और आज भी लिखा था. हाँ जी, ये जो डायगनल मैट्रिक्स के साथ सिमिलर हो रहे हैं, ये डी क्या होगा? बोलो बाबा, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोलो. दिस इज डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स ऑफ व्हाट? आइजन वैल्यूज. और पी के लिए तो जरूरत नहीं है वैसे, वो उसको वो पूछ नहीं रहा. आप बस डी देख लो. हाँ जी, जरा साथ दीजिएगा ऑल ऑफ यू. कॉपी नहीं करना है, चुपचाप सुनना है. तो पी इनवर्स ए पी जिस डायगनल मैट्रिक्स के बराबर है वो होगा डायगनल ऑफ आइजन वैल्यूज. थ्री क्रॉस थ्री होंगे कोई तीन, तो इसको लैम्डा वन बुला देते. अल्फा बीटा गामा, अल्फा जीरो जीरो, जीरो बीटा जीरो, जीरो जीरो गामा, जो जो बोला जा रहा है वैसे वैसे करिए. हाँ जी, ये पी इनवर्स ए पी, ये पी इनवर्स ए पावर थ्री पूछ रहा है. तो ये बताइए ज़रा, अगर पी इनवर्स ए पी इतना है तो पी इनवर्स ए पी का थर्ड पावर यानी डायगनल का थर्ड पावर, डायगनल मैट्रिक्स का कुछ भी करेंगे तो डायगनल एंट्रीज के साथ ही होगा. का सेकंड पावर यानी इनका थर्ड पावर भी इनका, फोर्थ पावर भी इनका. तो ये बेसिकली क्या चीज़ आएगा फिर यहाँ से? यस, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब. तो यू नो हो गया आपका काम खत्म. देखते जाओ पहले. देयरफॉर पी इनवर्स ए पावर थ्री पी ये बन गया डायगनल ऑफ अल्फा क्यूब, जीरो बीटा क्यूब, जीरो जीरो गामा क्यूब. हाँ जी, इसका ट्रेस पूछ रहे हैं. इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. यहाँ तक आर्ग्यूमेंट आपको समझ. तो दिस इज बेसिकली फाइंडिंग द आइजन वैल्यूज ऑफ ए. आपको अल्फा बीटा गामा फाइंड करना. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से निकाल लो ना, चलो जरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल. मैं कुछ नहीं रब करूंगा भैया, कुछ नहीं हटाएंगे आपके लिए. आप बस इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल के इसके आइजन वैल्यूज, तीन आइजन वैल्यूज अल्फा बीटा गामा के, फटाफट करिए, रफ में कर लीजिए. इसको कॉपी करने की बजाय जो काम दिया वो करो. पेपर हमेशा रिसर्च बेस्ड ही आता है और रिसर्च बेस्ड ही आना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से आ जाएगा आराम से, साफ साफ फैक्टराइज हो जाएगा. फैक्टराइज हो जाएगा आराम से, किसी से भी नहीं हुआ.
152 आइजन वैल्यूज आएंगे सर 125 हां गुड सर 12 बस आ गया छोड़ो अब रहने दो भाई घर जाके करिएगा प्लीज सी एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड स्टॉप राइटिंग प्लीज इसकी जो आइजन वैल्यूज है अल्फा बीटा गामा जो भी जिस भी ऑर्डर में लिखे तो ये 1 ले लीजिए 2 ले लीजिए आई थिंक इसका ट्रेस आपके सामने वो जो ट्रेस आएगा ट्रेस ऑफ इनवर्स ए पावर 3p तो ये क्या बनेगा 1 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 5 क्यूब ठीक है ना ठीक है कितना आएगा भाई जरा बताइए 130 ये घुमाया हुआ क्वेश्चन था उतना घुमाया हुआ भी नहीं था करना थोड़े ना या यू डोंट हैव टू फाइंड पी ये तो नहीं फाइंड डायगोनलाइजेबिलिटी बस सिंपल मैनर में यूज करना है ऐसे ही बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 2023 में भी आए 23 में सिलेबस लवर्स वो क्यों नहीं घुमाएंगे यार सिंपल सा थोड़े ना उठा के दे देंगे कोई भी कर लेगा अपना हिसाब से लिख लीजिए जैसे आपने कल रिसर्च वर्क किया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार हुई है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अब तो लेवल और बढ़ रहा है रेडी फॉर नेक्स्ट हो गया डन यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है ऑनलाइन किधर यस सर अगला क्वेश्चन करिए सोच समझ के करिएगा देखो होश में करना आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा होश में कीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख के ना कुछ ज्यादा खुश हो जाए एंट्रीज चेक कर लो एंट्रीज एक बार और चेक कर लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस फाइव जेड इज 3 एक्स प्लस 2 जेड इज 5 एक्स प्लस 4 जेड इज k प्लीज डू ऑल ऑफ यू
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया सर, ऑप्शन वन एंड टू। अच्छा जी, वही एक्लन फॉर्म वाला प्रोसीजर, इसके हेल्प से डाउनवर्ड जीरो क्रिएट करें, काम आसान। देखते रहिएगा, हमारे से भी गलती हो सकती, लेकिन आप लोगों से कोई गलती नहीं होगी कभी भी। यहाँ तक आ गए आप लोग, ये देखो भाई वो क्या पूछ रहे हैं उस पर मत जाया करो, नहीं तो कभी ढंग से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग, अगर ऑप्शन में उलझेंगे ना कभी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आप अपना काम कीजिए, ये सिस्टम सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचे, यहाँ लिख लिया करो पहले। मैंने हर बार यही किया है, कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब यूनिक आएगा, कब फाइनाइट आएगा, पहले लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ओके, इधर आइए ज़रा मेरे साथ, ऑल ऑफ यू। ये नॉन ज़ीरो है, कुछ नहीं हो सकता इसका, ये नॉन ज़ीरो है। अब भाई इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये वाली एंट्री 4- है, गेट 4-, अगर ये 4- है, जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, तो रैंक ऑफ A2 आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? अभी पहले उस पर बात करते हैं, अगर ये जीरो हो गया तो A का रैंक 2 हो गया, और अगर ये नॉन ज़ीरो हो गया, इसमें ये नॉन ज़ीरो हो गया, फिर वो बड़े वाले का रैंक 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इनकन्सिस्टेंट। क्या पूछ रहे हैं? डोंट लुक एट ऑप्शन, देखो उसको वैसे नहीं कर पाएंगे आप, पहले सारा लिख लीजिए। हाँ जी, देखिए क्या क्या कंडीशन है जो हमारे सामने है। दिस पार्ट इज़ फॉर A, ये A के लिए, तो पहले इसी पे बात करते हैं, आप सभी लोग ध्यान देंगे। हाँ जी, मोटा मोटा अगर बात करें, A जो है वो 3x3 है, देखो भाई, और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है A/B, दैट इज़ 3x4, एम आई राइट? बट उसका रैंक भी 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, वह तो 3 ही A/B का। पहले रैंक ऑफ A के बारे में बात करते हैं, रैंक ऑफ A इज़ 3, इफ़ ये दोनों की वजह से 2 तो है ही, 3 कब होगा? हाँ जी, जब 4-m इज नॉन जीरो। आई एम राइटिंग एवरीथिंग, आप अच्छे से देख लो पहले। रैंक ऑफ A इज 2, इज इट ओके यहाँ तक? अब A/B पे आइए, यस ऑल ऑफ यू, A/B। अब इस केस में अगर आपने 4-m को नॉन जीरो ले लिया, इस केस में K5 हो ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आई एम राइटिंग दिस, पहले आप अपनी तरफ से लिख लें, हमने तो ऑप्शन देखा भी नहीं है। हाँ जी, ये लाइन आपको समझ में, अनुभव हो? यस स्टूडेंट्स, यस सर। अच्छा, अब यहाँ चक्कर है, लेकिन इधर चक्कर है, बस आप समझ ही गए। ये तो रैंक ऑफ A/B है भाई, ये तो 2 भी हो, ये 3 हो सकते हैं, वेल 2 भी हो सकते हैं। ये जब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो इनकन्सिस्टेंट आ जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो ही कंसिस्टेंट आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें तो चक्कर है सब, मतलब हमने मोटा मोटा अपनी तरफ से लिख लिया। अब फिर से मैं कुछ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज सी, मेरे को नहीं पता क्या पूछा उन्होंने, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ यस, इधर भी अननोन है, उधर भी अननोन है, अब हम पेयर बना बना के बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखेंगे, एनालिसिस कर करके। साथ आ जाओ ज़रा सब लोग, आप सभी लोग। हाँ जी, ज़रा सोच समझ के जवाब देना भैया, आप ही सबसे पूछ रहे हैं, ये वाला हिस्सा A के लिए एंड दैट इज़ फॉर B। हाँ जी, नंबर 1, व्हाट विल हैपन इफ, ऑल ऑफ यू, What will happen if what will happen if और तो कुछ नहीं हो सकता, देख लो अच्छे से देख लो,
एनालिसिस चल रहा है पूरा। नहीं अगर फोर माइनस एम नॉन जीरो हो गया उस केस में तो आपको उसको देखना ही नहीं है। वैसे अगर फोर माइनस एम नॉन जीरो हो गया दिस इम्प्लाई रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा थ्री, एंड सो रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू थ्री इक्वल टू फुल रैंक या नंबर ऑफ अननोन, सब कुछ तुम्हारे सामने लिख दिया। अभी तो हम वहाँ गए नहीं क्या पूछा उन्होंने। दूसरे पे आइए, सेकंड वाले पे आइए, सॉरी ये जीरो है लेकिन ये नॉन जीरो है। अगर ये जीरो है तो ए का रैंक टू और उसका बड़े वाले का तीन हो गया। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज टू बट बोलो जल्दी रैंक ऑफ ए बाई बी इज थ्री तो दैट इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ, यानी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये इस वाले पे आइए, ये भी जीरो वो भी जीरो, तो भाई ये एंट्री भी जीरो ये एंट्री भी जीरो, दोनों का रैंक सिमट के दो आ गया, दो आ गया। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज टू एंड रैंक ऑफ ए बाई बी इज ऑल्सो कितना, वो भी दो ही है। हाँ जी लास्ट वाले में आइए, ये भी नॉन जीरो, अभी तो उसको देखना ही नहीं है आपको, तो काम इसी से हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज थ्री एंड रैंक ऑफ ए बाई बी इज थ्री। अब भाई इसमें से आप ना अच्छे से बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं कब कब कंसिस्टेंट है कब कब इनकंसिस्टेंट। पहले वाला केस अगर एम जीरो के बराबर नहीं है, हाँ जी अगर एम जीरो के बराबर नहीं है फिर तो कंसिस्टेंट क्लियर है, पहले वाला ट्रू हो गया। अब सेकंड वाले पे ध्यान से सेकंड कंडीशन में उसने के ऊपर बोला है लेकिन यहाँ एम के ऊपर नहीं बोला। अब आप जरा अपने आपसे पूछ, यहाँ नॉन जीरो है और यहाँ जीरो है, इनकंसिस्टेंट क्लियर है ना केस के सामने, देख लो अच्छे से इज इट ओके। दूसरा गलत है, सेकंड गलत है, ये मैं इसीलिए कह रहा था ऑप्शन मत देखिए, अपनी तरफ से एनालाइज करके पहले लिख लिया कीजिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी नंबर थ्री और क्या है, बाकी तो हो ही गया भाई, जब वो नॉट इक्वल टू फोर है तो इक्वल टू फोर वाला तो वैसे भी चला ही जाएगा। गलत ही है, सही क्या है इसमें, हम क्या पता आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, करो फटाफट करो कंप्लीट, पूरा एनालाइज कर लिया करो पूरा फुल। हाँ जी फोर्थ वाला बताइए, अगर k 5 के बराबर है तो क्या होगा, वो भी आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अगर k 5 के बराबर है तो ये तो हो गया जीरो, ठीक है। अब k ये वाला पोर्शन ये वाला आपका एंट्री अगर जीरो हो गया तो अब रैंक ऑफ a बाई बी का क्या होगा, वो तो हर हाल में a के बराबर ही होगा। अब यहाँ जगह नहीं है भाई, फिर जगह नहीं है, हाँ हो जाएगा k is 5 दिस इम्प्लाइज ये ऐसे बन रहा था समथिंग जीरो, यहाँ वन है यहाँ भी वन है या फोर माइनस एम लिख, ये पोर्शन ए के लिए था और बी जीरो साथ है ये इधर साथ आ जाओ। देखो ये इसमें क्योंकि तीसरा एंट्री जीरो हो गया, अब उसका रैंक तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, उसका रैंक इसके बराबर ही होगा, एम आई राइट। देख लीजिए पहले यस ऑल ऑफ यू विद दिस आर्ग्यूमेंट, समझ में आ गया। अब यहाँ क्योंकि जीरो, अगर यहाँ नॉन जीरो होता तब जाके रैंक चेंज होने के चांसेस थे, तो यहाँ जीरो हो ही गया आपका टेंशन। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए बाई बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, हाँ ये दो और तीन कुछ भी हो सकता है इक्वल तो आई गया, सॉरी ये वाला भी लास्ट वाला भी ट्रू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रियली नाइस प्रॉब्लम, अच्छे से लिखो एनालाइज करके। अगला इससे भी ज़्यादा धमाकेदार है, कंसिस्टेंट पूछ रहे हो भाई, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। यस ऑनलाइन महारथी लोग, हेलो है कोई ऑनलाइन में महारथी, अरे आप लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे, एक महारथी है बाकी अतिरथी अर्धरथी सामने आइए। सरमान देवाशीष, यस सर यस सर यस सर, भाई क्वेश्चन तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, आधे में तो नहीं, ऑप्शन मत देखा करो, जो ऑप्शन देख देख के, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर ऑप्शन देख देख के करेंगे ना तो सिर चकरा जाएगा आपको, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, एनालिसिस बहुत होता है। पहले सारा लिख लो अपनी तरफ से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता,
Yes, ready for one. Next. अगला कीजिए, हो जाएगा आपसे. क्या आर्गुमेंट लिखना चाहिए? केस फाइव देन फेवर इररिस्पेक्टिव ऑफ टू एंड थ्री. ये तो करके देना आप लोग. भाई एंट्रीज जरा दो बार चेक कर लीजिएगा. एंट्रीज का ही खेल है सारा. ए एक्स प्लस वाई प्लस फाइव जेड इज ई वाई माइनस फाइव जेड इज माइनस. अभी इसको करके देना. इसको करके देना है आप लोगों को. सही सही पेज भरिए. चार पेज बर्बाद कीजिए. आई डोंट केयर. यू शुड ऑल्सो नॉट केयर. सर ऑप्शन थ्री. तो अगर क्या ही कर सकते आप अपनी तरफ से एक काम कर सकते हैं क्योंकि निकल जाएगा आंसर. हाँ सॉरी अभी यहाँ जैसे कुछ सिर पर हमें नज़र नहीं आ रहा तो आप एक काम कीजिए. टाइम लगेगा क्या हो गया अभी तो ऑप्शन ही वेरीफाई कर. ए को वन ले लीजिए, बी को माइनस. ये ज़्यादा बेटर है. क्या हो गया टाइम ही लगेगा ना, चल तो जाएगा. यहाँ से तो कुछ नहीं पता लग रहा. क्या करोगे ये इसके हेल्प से इसको जीरो बनाओगे? बी टाइम्स और गड़बड़ हो जाएगा. अगर आप बी टाइम्स करेंगे या तो ये गड़बड़ करेगा ये भी गड़बड़ हो
और इतने सारे अननोन्स हो जाएंगे, हो सकता है आ जाए आंसर, बट समझ गए ना, ऐसे कर लीजिए वैल्यू वैल्यू. हाँ दैट इज ऑल्सो फाइन, मना नहीं कर रहा, बट उसमें थोड़ा क्लैरिटी में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. वैल्यूज डाल डाल के देख लीजिए, कितना टाइम लगेगा, दो दो मिनट लगना है हर ऑप्शन. निकालो भाई आंसर निकालो, बैठो नहीं. एक बच्चे ने क्या आंसर दिया था, सेकंड दिया था थर्ड दिया था, थर्ड ऑप्शन. इधर देखे यहाँ, अरे देखो बाबा सब लोग ध्यान दो इधर, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाता है. तो ये बन जाएगा आपका 1 2 1 0 0 1 एंड दिस विल बिकम 0 0 -5 -1. साथ में हाँ जी दिस इज नॉन जीरो, चेंज नहीं हो सकता कुछ भी कर लो, दिस इज नॉन जीरो ये भी चेंज नहीं हो सकता. हाँ जी ये आप सोच रहे हैं इसकी हेल्प से जीरो हो जाएगा, अगर ये इसकी हेल्प से जीरो बनाएंगे तो वो तो डाउनवर्ड क्रिएट करते हैं ना, ये तो पहले ही नॉन जीरो है, डाउनवर्ड क्रिएट किया जाता है. ठीक है अब कुछ नहीं करो, अब जरा पिक्चर देख के बताइए ऑल ऑफ यू प्लीज. आप चाहें तो इसको माइनस फाइव से स्केल करके यहाँ वन लेके आ सकते हैं, आप मेरी बात समझ. अगर यहाँ माइनस फाइव से स्केल किया जाएगा इसको माइनस फाइव से, तो यहाँ वन आएगा और उधर क्या आएगा, 1/5. एम आई राइट? क्वेश्चन छोड़ना इतना बढ़िया, सबसे बड़ी मूर्खता है. तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1/5 ईयर. अब बताइए. हाँ जी प्लीज प्लीज प्लीज, वो बिल्कुल उम्मीदें हैं तोड़ो नहीं. ये ए है भाई एंड दैट इज बी का पोर्शन. हाँ जी व्हाट इज रैंक ऑफ ए प्लीज टेल मी. पर ए बाई बी का रैंक भी 3 ही है, दिख ही रहा होगा आपको, ज़्यादा तो हो नहीं सकता. ये तो इक्वल आ गए, कंसिस्टेंट गलत है ना, ये देखो तो सही यार, क्या कर रहे हो पता नहीं, गलत है, दिस इज रॉन्ग. आप उसको ट्रू बता रहे हैं, क्लैरिटी ही है, दिस इज ऑल्सो क्लैरिटी. ऑप्शन पुट कर करके आंसर दीजिए प्लीज, करना पड़ेगा ऐसे नहीं, आपको करना ही पड़ेगा. हाँ जी ऑप्शन 2, गुड वेरी गुड, जैसे भी आया बहुत बढ़िया आ गया ना. लेकिन ए जीरो है और जब बी जीरो है, दिस विल बिकम 0 1 0 0 1 5 1 0 0 -5 -. ये तो गए के सामने गया, दिस इज ए दिस इज बी. यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो गड़बड़ है. व्हाट इज रैंक ऑफ ए? 2. बट जब बी आ जाएगा उसमें तो 3 के चांसेस है. अब समझ गए मेरी बात, वो तो इनफिनिट सॉल्यूशन बता, यहाँ तो रैंक के बराबर नहीं दिख रहे, उसमें 2 आएगा उसमें उस वाले में 3 आ जाएगा, आएगा भी कर लेना, सारा गड़बड़ है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आराम से सारा काम हो जाएगा, आंसर निकाल के दीजिए प्लीज, मैं आपको बोली हमें ये करना ही है. आपको ये करना ही पड़ेगा हर हाल में. चार में से 2 ऑप्शन आपके पास हैं, करके बता दिए. वेरी बैड, इतने क्वेश्चंस कराने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा, वेरी बैड. यस अरमान जी, देवाशीष, धनराज, किधर हो भाई? रिदम, सलोनी, संयम, वेयर आर यू पीपल? हेलो एम आई ऑडिबल? यस एम आई ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल.
यस सर। अब आंसर कर आप लोगों क्या है, सेकंड है ना, सेकंड ही करेक्ट है, सेकंड ही करेक्ट, सेकंड करेक्ट है। ऑनलाइन में किसी का भी नहीं आया, एक बच्चे ने दिया था सेकंड, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सेकंड। लोगों का है सेकंड। हाँ अच्छा, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, मूर्खता से बस बैंड बजाने पे तुले हुए। सेकंड करेक्ट है, पहले भी गलत हो। ए वन रखिए, बी माइनस वन रखिए, दिख जाएगा वो तो, यही क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी। पेशेंस नहीं है भाई, पेशेंस है तो इतना है कि क्वेश्चन ही नहीं निकलता। ये करिए, गेट द क्वेश्चन केयरफुली, भागी है नहीं, तो गेट द क्वेश्चन केयरफुली, देयर इज समथिंग हिडन। पहली लाइन को देख के या पहली क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा था एक्स वाई जेड की जगह एक्स वाई टी लिखते हैं, पूरे सिस्टम को देख के समझ में आया चार वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है और टी भी है, टी भी है। पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के देखिए, अगर आराम से सॉल्व हो रहा है तो पीछे वाला काम नहीं करना। पीछे वाले में हमने ए और बी का वैल्यू इसलिए पुट किया था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था किसके हेल्प से किसको जीरो बनाना है, यहाँ आ जाएगा। एंट्री ज़रा ध्यान से चेक कर लेना, मैं भी कर लेता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स माइनस इट इज फाइव एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस टेन टी। आप में से कितने लोगों का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा बना है? यस, हाउ मेनी? ऑनलाइन स्टूडेंट क्या आप लोग बिल्कुल साथ हेल्प से डाउनवर्ड जीरो बनाइए, बनाना ही पड़ेगा।
इसको आप या तो टू से यही स्केल कर दीजिए, नहीं तो इसके हेल्प से ये जीरो हो ही जाएगा, जैसे भी कर। सबट्रैक करना पड़ेगा है ना, सबट्रैक करना पड़ेगा, माइनस इलेवन वन, लैम्डा माइनस फोर प्लस टू, नहीं लैम्डा माइनस, हो गई हो, बहुत अच्छी इक्वेशन आई ये, इसके हेल्प से ये जीरो हो जाएगा, हो गया बस वन। आप स्केल चाहे तो कर लीजिए, कैसा इशू, अगर आप यहाँ माइनस टू से जीरो हो जाएगा, हो जाएगा वो वन बाई टू, ठीक है, कोई रोल नहीं। वन माइनस वन, फोर्थ रो में थर्ड रो अगर आप ऐड करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, बस वहाँ कुछ बचा लैम्डा माइनस, साफ साफ, इससे बेहतर तो इक्वेशन बन ही नहीं सकती या मैट्रिक्स नहीं बनता। आप सभी के सामने है कि व्हाट इज रैंक ऑफ ए इज थ्री, कोई चेंज नहीं होता, रैंक ऑफ ए तीन ही है और सिर्फ तीन ही है, उसमें कोई चेंज की गुंजाइश ही नहीं है। ओके रैंक ऑफ ए इज थ्री, बोलो बाबा नाउ व्हाट अबाउट रैंक ऑफ ए बाय बी। तो पहले ए का साइज देखते हैं, ए इज फोर क्रॉस फोर, ए बाय बी फोर क्रॉस फाइव, फोर रोज, हाँ जी फोर क्रॉस, उसका रैंक भी चार ही हो सकता है, चार से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो रैंक ऑफ ए बाई बी पे आते हैं। आइए ज़रा देखिए, ए का तो तीन है उसमें कोई चेंज नहीं, अगर उधर से लैम्डा वन के बराबर नहीं हुआ, अगर लैम्डा वन के बराबर नहीं हुआ यानी ये एंट्री नॉन जीरो हो गई, तो भाई वो बड़े वाले मेट्रिक्स का ए बाई बी का रैंक चार हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, देख सकते हैं। तो रैंक ऑफ ए बाई बी दो चीज़ें हो सकती हैं भैया, या तो ये तीन रहेगा या फिर ये चार हो जाएगा। इज इट ओके, सब कुछ लिख दिया आपके सामने, व्हाट मोर यू वांट, चलो ये रहा, ये रहा आपका आंसर, क्या चाहिए, चल अभी सब कुछ कर। रैंक ऑफ ए बाय बी तीन, और रैंक ऑफ मतलब रैंक ऑफ ए बाय बी थ्री तभी होगा जब लैम्डा वन के बराबर होगा, जब लैम्डा वन के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, यूनिक थोड़ी ना आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ अननोन से लेस है ना भैया, आप लोग समझ रहे हैं ऑनलाइन, बताओ भैया। Yes, sir. ये अगर लैम्डा वन के बराबर है तो इसका रैंक तीन, इसका रैंक तीन, रैंक इक्वल तो है बट इट इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ इनफिनिट सॉल्यूशन इस वाले में, ये करेक्ट है, ये गलत हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, बट टू का तो कुछ रोल ही नहीं है, टू का तो कुछ भी है नहीं, ये तो बकवास, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है भाई। इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपकी मूर्खता से छूटना नहीं चाहिए। Yes, और किसी का आया ये ऑनलाइन? Yes, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग, आपका आ गया अरमान, देवाशीष, धनराज, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन मत देखा करो, पहले लिख लिया करो कि वहाँ से क्या क्या कंडीशन, मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, लिख लिया कीजिए अपनी तरफ से जो जो लिख सकते, तुरंत तो ऑप्शन में दौड़ेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बड़े गड़बड़े। अगर इसका रैंक चार हो गया तो इसका तो तीन ही है, वो तो चेंज हो नहीं, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अगर लैम्डा वन के बराबर नहीं है।
रेडी फॉर नेक्स्ट, हो जाए तो बोलिएगा। हो गए सर। इससे रिलेटेड करिए। You have to do. Entries check करना दो बार. I will also do it. Please check the entries twice. 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1. Please do all of you. What is rank? सबसे अच्छा definition सबको बोला गया। Number of कैसे columns? वही करना है। Eklund form से बेहतर कुछ नहीं। सारा system of equations Eklund form से किया आपने। Rank भी उसी से निकलेगा। जस्ट फाइंड आउट कौन कौन से कॉलम्स इंडिपेंडेंट है। अगर नजरों से पता नहीं लग रहा तो मेथड लगाइए।
फोर है रैंक, रैंक इज फोर, तो कुछ और कर नहीं सकते, फोर आएगा, फोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक तो वैसे नहीं। ये देखो ना एक मिनट, ये आर फोर का मेंबर है, आर फोर में वन टू फोर फाइव सिक्स मेंबर, सिक्स वेक्टर से आर फोर, याद करिए अगर डायमेंशन ऑफ एन है देन एनी स्पैनिंग एन प्लस वन और डिपेंडेंट, आपका रैंक चार आएगा या तीन आएगा या दो आएगा या एक आएगा, वो है जैसे भी करिए। ऑनलाइन में तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है आजकल, कुछ होगी अभी भी एक्लन फॉर्म नहीं किया आप लोगों ने, इतना सब कुछ दिखा दिया गया आप लोगों को, इतना सब प्रोवाइड कर दिया गया, फिर भी आंखें नहीं खुली, अलग से लेक्चर्स बना बना के दिए हैं आपको एक्लन फॉर्म के लिए। देखता हूँ ये वाला फॉर्म बना किसी का, सॉरी बन गया, ये देखिए जरा ये ऐसे आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम आपके एल आई हो जाएंगे, दिख ही रहा है। अगर किसी को एग्जैक्टली पता करना है कौन कॉलम किस दूसरे का मल्टीपल है, जैसे आपने डाउनवर्ड जीरो क्रिएट किया अपवर्ड जीरो क्रिएट कीजिए, तो ये चार ये जा इन चारों की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा आइडेंटिटी, एंड फिर ये दोनों कॉलम्स आपको साफ साफ पता लग जाएंगे कि उन चारों से कैसे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी दिख रहा है पहले चार कॉलम्स इंडिपेंडेंट। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, अरे किसी चीज में तो साथ दे दो भाई। यस सर, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई कॉलम, वो जो लिखते हैं ना मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम छोटी क्लासेस के लिए लिखते हैं, यहाँ नंबर का मतलब मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा ना, तो उनके लिए लिखते हैं जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं है। Are you ready for next? Yes, sir. The next question challenging. Every question here is challenging. करते रहिएगा, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, विश्वास करो भाई बहुत आगे निकल, स्पेशली वो लोग जो साथ रहे हैं। ए ट्रेमेंडस क्वेश्चन।
अंडर्स क्वेश्चन बोला जा रहा है। सच में बहुत जबरदस्त चैलेंज है, करो कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही। कल भी रोज पेज करके एक क्वेश्चन आया था, तो हर क्लास में आपको करा ही रहा हूँ, कीजिए प्लीज ट्राई ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू ट्राइंग? हेलो, यस सर, यस प्लीज डू। यार वही नल स्पेस और रेंज स्पेस निकाल रहे हैं, रो स्पेस।
यस सर। वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाएगा सब स्पेस। देखो हमें कुछ ठीक है ना, इन्हें पता ही क्या है डायमेंशन बनी है आंसर मेथड समझ बहुत मतलब डायनामिक। भैया आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। यस सर। जो लॉन्ग मेथड से कर रहे थे वो क्या क्या, नल स्पेस निकालना, फिर रेंज स्पेस निकालना, फिर इंटरसेक्शन, वैसे भी करके देख लीजिएगा, है लॉन्ग भले। है ही खतरनाक खतरनाक भी।
क्वेश्चन की शक्ल ही देख के इतना डर लग रहा था। This NA by chance, this NA intersection RB becomes NA. This becomes NA. वो नहीं आएगा। ये साफ साफ इसका पार्ट बन गया। सचमुच में इंटरसेक्शन आपको निकालना भी नहीं है, कमाल हो गया। Yes, all of you, are you ready for the next question? Hello. Man, Devashish, Dhandra, Dilip, Ridham, Sayam. Yes, sir. जैसे बताया है एक बार घर पे जाके बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि क्या है next challenging problem आप सबके लिए। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। Again a dynamic question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करिए तब तो जाके कुछ समझ में आएगा। दिस इज एम ई वन एम ई टू, जैसे ए एक्स लिखते हैं, ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई होता है, ई वन ई टू को कॉलम वेक्टर ले लीजिए। यू नो व्हाट इज ई वन, कॉलम वेक्टर, कभी मल्टीप्लाई होगा अदरवाइज तो मल्टीप्लाई क्या होगा।
तो M E1 M E2 अगले वाले में E1 के साथ E3 है, ध्यान रखना ये बिल्कुल ठीक है, चेक कर लिया हमने। प्लीज़ डू समथिंग ऑल ऑफ यू, क्या करेंगे थोड़ा ट्रायल बेसिस पे काम कीजिए। M ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जिसका रैंक 1 है, सिंपलेस्ट पॉसिबल। डू समथिंग, हेलो स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग? Are you listening? Not even listening. Yes, sir. Try kijiye. Best possible matrix of rank 1. Most of you must be thinking of this matrix. ये थोड़ा सा तो घूमना पड़ेगा अगर आपने ट्राई किया है तो। अगर आप M को ये ले लें तो रैंक कितना है? 4 क्रॉस 4 रोज। ये ले लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको ये E1 के साथ तो अच्छे से मल्टीप्लाई, E2 के साथ तो कहने के बजाय ये लो ज़रा, मतलब रैंक 1 का खाली यही मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसने आपको अट्रैक्ट किया, आपने ले लिया, बट ये भी लिया जा सकता है। जैसे अभी रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए, नहीं है भाई ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ठीक है, ये आराम से E1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब नॉन ज़ीरो एंट्री दे देगा। ये भी आराम से E2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों छोड़ के। हाँ जी तो सही समझे, अगर आपने ट्राई किया है तो उसकी जगह मिसमैच करती हुई पोजीशन लीजिए। यहाँ पे E1 E2 है ना, तो E1 E2 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन को छोड़ के बात करिए, इससे हो जाएगा। जिन्होंने ट्राई किया उनको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जरा करना इसको, यस इज इट अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1? हेलो इज इट अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1? यस सर। इसको E1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये अगर आपने किया है तो तुरंत आपको मेरी बात समझ में आएगी। और सॉल्यूशन के लिए बैठे रहे, आई एम सॉरी, उनके लिए नहीं है भाई। इसको E1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, दिस ये तो जीरो आ गया, देखो सारा ही जीरो, दिस इनटू द जीरो जीरो, ये मैच ही नहीं कर रहा, ये वन उसमें वन से मैच नहीं कर रहा। आया समझ में? ये तो जीरो है भाई, इधर आना ज़रा, आप सभी लोग इधर आ जाइए। दिस इज जीरो, ये जीरो 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 या जीरो कह लीजिए। एनी सेट कंटेनिंग जीरो कैसा होता है भाई लोगों?
बोलो फटाफट, एनी सेट कंटेनिंग जीरो कैसा होता है? एल आई होता है, एल डी होता है? एल डी, तो ये तो गया आपका। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये लीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं, यहाँ वन ले लीजिए, इतनी क्या परेशानी है, ये वन यहाँ तो था ही, यहाँ वन ले लो आप। अब इसका रैंक बताओ जरा कितना है, इस रेड वाले में एंट्रीज चेक करके बताइए रैंक कितना है आपका, टू। जरा करना मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करोगे, उसका तो पहले पोजीशन पे वन है और यहाँ तो कहीं आएगा नहीं, आया समझ में? तो ये भी गया, पहला भी गया, दूसरा भी गया। भाई दिस वे यू कैन डू एंड यू शुड डू। अब दो तो आपको करके बता दिया, अब जरा तीसरे वाला आप ही कर दीजिए, यही मैट्रिक्स लेके ट्राई कीजिए। यहाँ पे इस फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ थर्ड पोजीशन है, ट्राई टू मिसमैच करो। पहला गया, दूसरा भी गया, भाई बात समझ में आ गई ये स्टूडेंट? हाँ हाँ, सब आपके सामने है भाई, करना ही नहीं है, क्लियर हो गया आप लोगों को क्या करना है? अगर आपने ट्राई करना शुरू किया होगा तो जाहिर सी बात है इसके साथ शुरू किया होगा, मल्टीप्लाई कर रहे थे, साफ साफ मल्टीप्लाई हो गया, कुछ आ रहा था, ऐसे लीजिए ना, इसमें एंट्रीज ही मैच ना करें, ई1 ई2 पोजीशन पे, मतलब ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने सच में ट्राई किया है ऑनेस्टली। अरे भाई थर्ड वाले के लिए कुछ बताओगे? थर्ड तो सामने ही नहीं लिखा हुआ, ये तो रहा, ये भी 0 0 0, रोलो थोड़ा सा, एनी सेट कंटेनिंग जीरो, अब बताइए क्या ट्रू होगा? फोर्थ वाला बचाए तो फोर्थ, तो कैसा क्वेश्चन लग रहा था, कितनी आराम से निकल, जस्ट विद सिंपल सेंस निकल जाएगा। यस ऑनलाइन इट ओके, हेलो, अब तो बेचारों की आवाज़ भी नहीं निकल रही। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कर लीजिए इसको पहले। ये 0 0 0 0 आएगा ना, M4x3 है आपका, E1 है आपका, 3x1, 4x1 होगा, ठीक है ना, 0 ही होना था। Yes, are you ready for the next? Oh. करिए और डायनामिक क्वेश्चन।
प्लीज डू। सर सेकंड। ओके बहुत देर में आंसर आया। देखिए भाई अब मैं टाइम लगेगा एवरीवन, ये तरह के क्वेश्चन में पहले भी पुराने बच्चों को तो कराई चुका हूँ, तो देखो जरा फिर से। ए स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब ही होता है आपका आइडम्पोटेंट। अगर ए एक्स लैम्डा एक्स के बराबर है तो ए स्क्वायर एक्स लैम्डा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बट ए स्क्वायर इज ए, सो ए एक्स इज लैम्डा स्क्वायर एक्स इज लैम्डा एक्स लेके चले हैं। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं लैम्डा लैम्डा स्क्वायर के बराबर है लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस वन इज जीरो। लैम्डा क्या क्या पॉसिबल है? जीरो वन पॉसिबल, पहले वाला ट्रू है। आइजन वैल्यूज तो आइडम्पोटेंट में जीरो या वन या दोनों ही हो सकते। दूसरा ए इज ये यहीं गलत हो गया, तो आप गलत के सहारे कहाँ तक जाएंगे? ये इधर ही गलत हो गया। तो ये मेट्रिक्स है आइडम्पोटेंट, जरा आपने दिल पे हाथ रख के क्या आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नेसेसरली डायगनल मैट्रिक्स ही होता है? देर आर नॉन डायगनल मैट्रिक्सेस आइडम्पोटेंट, फॉर एग्जांपल हाफ 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 हाफ, इज इट आइडम्पोटेंट? यस। इज इट अ डायगनल मैट्रिक्स? नो। आगे क्या पढ़ रहे हो उसमें? जरूर थोड़ा ना कि ये डायगनल मैट्रिक्स ही, वो तो कह रहे हैं कंडीशन इम्पोज कर रहा है कि नहीं ये डायगनल मैट्रिक्स ही होगा जिसमें डायगनल एंट्री जीरो वन होनी चाहिए, गलत बात है। नंबर थ्री, ये क्वेश्चन आपको नंबर थ्री और नंबर फोर बताने के लिए दिया गया बेसिकली, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? हेलो, यस, इज इट क्लियर? अब भाई ये हम थर्ड और फोर्थ पे डिटेल में बात करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स को लेके आपको 10 11 12 प्रॉपर्टीज लिखवाई गई हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। दिस प्रॉपर्टी इज वन ऑफ देम कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो रैंक होता है उसके ट्रेस के बराबर होता है। अब तक हमने ये एग्जाम्पल ले लेके किया था, अब प्रैक्टिकली प्रूफ देख लीजिए, कोई करना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। अब तक फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करते रहें, सभी लोग ज़रा ध्यान लगाइए। हाँ जी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स को लेके बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आने। यस, फॉर एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से रैंक होता है, रैंक ट्रेस के बराबर होगा, लेकिन ये करते वक्त
बहुत सारी चीजें सामने आई। आओ भाई सबसे पहले ट्रिवियल केसेस, बेकार के केसेस जिसको कहते हैं। कि पहला भाई जरा ध्यान दीजिएगा इधर प्लीज, वो भी छोड़िए। आइजन वैल्यूज क्या क्या हो सकती है आइडम्पोर्टेंट की, कुछ आइडम्पोर्टेंट मेट्रिसेस आपके सामने लिखे जा रहे हैं। इनका स्क्वायर करिए, ये खुद ही लौट के आएंगे। आइजन वैल्यू दिखी गई आपको। आइजन वैल्यू बताइए, प्लीज जरा ध्यान से सुनना, कुछ है इधर फंस जाएगा मामला सर। पहले वाले केस में जो एफएक्स है, एफएक्स यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, दैट विल बी द सेकंड केस, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल विल बिकम x माइनस जीरो का स्क्वायर या x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। द लास्ट केस इट विल बिकम, हाँ जी जरा ध्यान दीजिए भाई, कुछ है प्लीज, गड़बड़ नहीं करना। यस पहले वाले केस में जो ट्रेस ऑफ ए आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए आ रहा है वो एक्चुअल में वन प्लस वन प्लस थ्री आ रहा है। तो आप कह सकते हैं ट्रेस ऑफ ए इज, चेक करिए दूसरे वाले केस में जो मैट्रिक्स का ट्रेस है वो वन आ रहा है, दैट इज ऑल्सो, ये चेक करो। ये पॉइंट आपको समझ में है, गहराई वाली बात। हेलो स्टूडेंट, आवाज नहीं निकल रही है आपकी, यहाँ तो वन है ही नहीं, जीरो जीरो। ए एम क्या होता है, एम जी एम यहाँ वाला लीनियर अलजेब्रा वाला, ए एम यानी नंबर ऑफ टाइम्स अ रूट इज अकरिंग इन कैरेक्टरिस्टिक, राइट। हाँ अब जरा ये पहले वाले केस में बताइए, इसमें ट्रेस थ्री था और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में वन जो है वो तीन बार आ रहा है, तो ये ट्रेस जो है वो ए एम के बराबर है। दूसरे वाले केस में भी देख लो, इसका ट्रेस आपका वन आ रहा है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में वन इज अपीयरिंग वन टाइम, तो दिस इज ए एम। क्लियर हो गया आप लोगों को, ऑब्जर्वेशन ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए ऑब्जर्वेशन। फॉर एन आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ ए इज दिस, फॉर एन आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ट्रेस किसके बराबर होता है, ए एम के बराबर। किसका ए एम, जीरो का या वन का, आवाज ही नहीं निकल रही है बेचारों की, ऊपर लिखा है रैंक के स्ट्रेस है दैट टू एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू। अभी आपको ये कंफर्म करके दिखा दिया सच में ऐसे ही हो, तो हो नहीं है। जब आइजन वैल्यू जीरोज और वंस के कॉम्बिनेशन है तो ट्रेस में तो वन का ही रोल आएगा ना, कितने टाइम्स वन अपीयर हो रहा है विल गिव यू ट्रेस, उतना ही ट्रेस आएगा। और कोई आइजन वैल्यू है ही नहीं आपके पास, जीरो है, जीरो ट्रेस में क्या कर लेगा भला, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है उसका। जी सेकंड ऑब्जर्वेशन, यस ओके, कैन आई इरेज इट, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं भाई, वन पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है और दोनों भी पॉसिबल हैं कि एक साथ ही आ जाए। क्या आप एग्री करते हैं अगर ये आइडम्पोर्टेंट है, आइडम्पोर्टेंट है और एफ एक्स इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है,
तो भाई इसमें दो ही रूट्स होंगे, मतलब दो तरह के रूट्स हो सकते हैं, तो जीरो हो सकते हैं या वन हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एम आई राइट इन राइटिंग द फॉलोइंग? फरमाइए कौन देखेगा इसको, कौन देखेगा इसे? हाँ जी, उसका नंबर ऑफ अकरेंस, उसका नंबर ऑफ अकरेंस गिव यू डिग्री। इट ओके ऑब्जर्वेशन? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, और कोई आइजन वैल्यू नहीं है, यही है, या तो सारे जीरो हैं या सब वन है या मिक्सचर। लास्ट क्लास याद करके बताइए, इज एवरी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज एवरी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल? ऐसे पढ़ोगे देवाशीष, धनराज, दिलीप? यस सर। डायगोनाइजेबल यानी ए एम जी एम के बराबर है, बस अब कमर कस के तैयार हो जाइए। सो मैनी थिंग्स कम, हमारे लिए जो काम की चीज़ है ना वो देखनी है हमें, ये जो ग्रीन में लिखा है ये एस्टेब्लिश करना है, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन। देखो मान लेते थोड़ी देर के लिए ए एन क्रॉस एन इन ये आइडमपोटेंट, आइडमपोटेंट तो दिस इम्प्लाइज, सॉरी दिस इम्प्लाइज ए मस्ट बी डायगोनाइजेबल। कल आपको बताया था क्यों? हाँ जी, ये अगर डायगोनाइजेबल है तो जो ए एम होगा वो जी एम के बराबर होगा, जिस भी आइजन वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ अल्फा लिखेंगे तो वहाँ जी एम ऑफ अल्फा, यहाँ लैम्डा लिखेंगे तो जी एम ऑफ लैम्डा। तो पर्टिकुलरली ए एम लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए, वन के लिए नहीं, वन अपने आप पिक्चर में देखते जाइए। ये लिखा आपने लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए, तो ये भी लिखा आपने लैम्डा इक्वल टू। अब ज़रा आंखें खोल के रखिए, तब खराब हो जाएगा। ये देखो द आंसर, वो देखो, पहले इसको ओपन करेंगे फिर ये वाला साइड। थोड़ी देर पहले अभी जो पिछला ऑब्जर्वेशन था आपको बताया, ठीक है, जब आपने ए एन क्रॉस एन लिया तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बनेगा दैट इज ऑफ डिग्री एन, जाहिर सी बात है। अब इसमें डिग्री एन में कंट्रीब्यूशन वन का होगा, कुछ जीरो का होगा, आप ये कह सकते हैं ए एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू जीरो प्लस ए एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन बराबर है भाई एन के, वहाँ से ये निकालना है तो एन माइनस n माइनस ए एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू, देखते जाइए कोई बात नहीं, इक्वल टू जी एम क्या होता है अलग से लिख के बता रहा हूँ आपको। नल स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू वन यानी ए माइनस वन आई दैट इज ए माइनस। हाँ जी, रैंक नलिटी थ्योरम बता, ये जीरो 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 है ना, तो दिस इज सेम एज डायमेंशन ऑफ एन ए। जरा रैंक नलिटी थ्योरम याद करो, नलिटी आ गया ना, रैंक नलिटी थ्योरम याद करो, याद नहीं आ रहा, तब याद आएगा, एग्जाम में तो सब याद आते ही है। बस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं क्रॉस एन में, एन ही होगा, बढ़िया। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन फ्रॉम हियर यू नो नलिटी एन माइनस एन, ये आपके सामने लिख के बता दो। थैंक यू वेरी मच, जरा कैंसिल करके बताइए क्या मिला, हो गया, बच गए। दिस इम्प्लाइज ए एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन किसके बराबर आया भाई? मुझे खिचड़ी नहीं पकानी है, थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ये तो रैंक नलिटी थी। ये ए एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन, देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में जीरो 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 आ रहा है, वन 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 आ रहा है, वो जो वन 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 जितनी बार आ रहा है ना उतना ही ट्रेस होगा ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, दिस ए एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन इज ट्रेस। ये छोटा सा प्रूफ आपको समझ में आ गया, यस कर लीजिए। क्या प्रूफ किया आपने? फॉर एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स रैंक इज, लिख लो कहीं तो बोल्ड लेटर्स में,
फॉर एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स रैंक इज इक्वल टू ट्रेस, रैंक आपका ट्रेस के बराबर होता है। ये प्रूफ है भाई सामने, देख लीजिए, खाली ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे दिया, शुरू में नहीं हो सकता था ये, तो अभी हो सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस आर यू क्राइंग? नो सर। ओके Done? Yes. Third option. ये तो आइडमपोटेंट है तो थर्ड तो ट्रू ही होगा। Yes, what about fourth? Fourth में चक्कर है। हाँ अभी करते हैं, फिर वो आइडमपोटेंट पे आते हैं। For an आइडमपोटेंट matrix. Yes. इतनी बात आप कर कम है, आइए बातें करें। ए स्क्वायर इज ए पावर एन इज ऑल एन, ठीक है ना, कि आइजन वैल्यूज डिटर्मिनेंट रैंक किया आपने, ये आपने किया है प्रूफ, बढ़िया। एवरी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, कल किया था। यस ओनली इन्वर्टिबल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स याद है किसी को? एक ऐसा मैट्रिक्स जो आइडमपोटेंट होने टेबल भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही होता है, एक ही होता है भाई, ये आपका आइडमपोटेंट, ये आपका इन्वर्टिबल भी। जैसे ही आइडमपोटेंट का ए स्क्वायर ए के बराबर, दैट मींस ए इनवर्स बिकॉज इन्वर्टिबल बोल दिया आप, ऐसी चीजें तो पकड़ के रखा, तो यहाँ से ए आइडेंटिटी, देखिए प्रूफ छोटा, तो ओनली इन्वर्टिबल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप, यस भाई पहली बार एक बढ़िया से ऑब्जर्व, अगर कोई आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो आइडेंटिटी है, तो अगर आइडेंटिटी है तो उसकी आइजन वैल्यू सिर्फ 1 1 1, बाकी सारे आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज में जीरो जरूर आएगा ना। दिस इज द पॉइंट, क्योंकि बाकी तो कोई इन्वर्टिबल होगा नहीं, अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो जीरो आइजन वैल्यू की तरह उसके साथ साथ घूम ही रहा होगा। लेट मी राइट,
ठीक है, तब अब यहाँ जीरो भी होगा एंड ऑब्वियसली वन भी होगा। अगर ये आइडेंटिटी नहीं है सीधा जीरो पे चले गए फिर तो एडमी राइट। भाई ये तो ऑब्जर्वेशन देखने के ही लायक है, एंड है भाई, दिस इज एंड। यहाँ और था तब यहाँ एंड आ गया कि दोनों पक्का होंगी होंगी। क्या स्टूडेंट आप लोग बैठे हैं क्लास में? पता तो लगना चाहिए, पता नहीं लग रहा है। यस सर। वन मोर पॉइंट इज देयर, तो शुरू में हमने किया था इम्पोर्टेंट, तब एकदम पहले लिख लिया था। हाँ जी, यहाँ आइए, ए इज आइडम्पोर्टेंट इफ एंड ओनली इफ आई माइनस ए इज आइडम्पोर्टेंट। कभी किया है आप लोगों ने? यस, विद द हेल्प ऑफ आइडम्पोर्टेंट यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट न्यू वन आई माइनस ए। क्यों ऐसे देख लो, इज आई माइनस ए फूल ऐसे करके दिस विल बी आई 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 ए ए आई ए ए आई आई इज आई से ये भी ए है ये ए स्क्वायर वो फिर से ए हो गया कैंसिल। क्या आया आंसर? ये इसका स्क्वायर ये इसके बराबर है तो ये लास्ट वाला इफ एंड ओनली है विद द हेल्प ऑफ ए आई माइनस ए साथ साथ चलेगा। अच्छा, अगर ए आइडम्पोर्टेंट है तो आपने अभी नोटिस किया रैंक और ट्रेस बराबर है। भाई ए आइडम्पोर्टेंट है तो आई माइनस ए भी आइडम्पोर्टेंट है, इसका रैंक और इसका ट्रेस भी बराबर है। तो ओके, ये लास्ट वाला क्लियर हो गया आपको? भाई अब वो समय नहीं है ना कि हवा में बातें चल रही हैं, होता है क्या होता है और अब नहीं करोगे अपने हाथ कब करोगे? लास्ट वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? देखिए दो छोटी छोटी सी बातें हैं, टाइम लगा भाई उसमें एस्टेब्लिश कर। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस यस सर। मोर पॉइंट प्लेस नहीं है कोई बात नहीं। हाँ जी, ये लिख देते हैं कैन नेवर बी इम्पोर्टेंट, ये भी आपको पहले बताया जा चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आएंगे आगे, पूरा पेज आपने आइडम्पोर्टेंट के लिए लिख दिया और आइडम्पोर्टेंट। नॉन जीरो आइडम्पोर्टेंट कैन नेवर बी नल का प्रूफ पुराने बच्चों ने तो किया ही होगा, बाकियों ने भी किए हैं जो अभी वाला बैच कर रहे हैं उसमें कराए थे। अरे हुआ है क्लास में या नहीं? यस हेलो राइट नाउ गुड। चलिए ये तो हो गया, पहला करेक्ट, थर्ड करेक्ट और फोर्थ भी करेक्ट। नेक्स्ट,
करिए आराम से निकल मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फर्स्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालो भाई मैट्रिक्स ऑफ एलटी नहीं ये दिस इज डिफरेंशिएशन फिर क्या नहीं समझ में आ रहा वो तो आ जाना चाहिए तो समझ ये दिया है ना डी ऑफ एफ एक्स इज एफ डेरिवेटिव एक्स स्टैंडर्ड बेसिस ले लीजिए पॉलिनोमियल का ये डिग्री एटमोस्ट 3 है तो जो वेक्टर स्पेस है वो पी 3 हो गया इसका स्टैंडर्ड बेसिस बताओ जरा पी 3 का क्या होता है 1 है एक्स है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ये इसमें कर लो ऐसे तो बड़े सारे क्वेश्चंस के ये डेरिवेटिव ऑफ 1 0 डेरिवेटिव ऑफ x फिर भाई आंसर आना चाहिए तो देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग क्यों नहीं करते ठीक है ना ये यहां 1 0 इधर 0 2 यहां 0 क्या ये जरा उसने बोला कि जो a है a a is nothing but matrix of d with respect तो कैसे बना as it is निकाल लीजिए स्केलर ट्रांसपोज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच एंगल इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच मेन नल पोटेंट एक नल पोटेंट मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल खाली तो करा अननल पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल द जीरो मैट्रिक्स क्या ये जीरो मैट्रिक्स है रैंक निकालने में चैंपियन हो ही गए पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही रैंक का खेल दिस This along with this. ये तीन कॉलम्स अलाइन हैं बोलो कितना रैंक आएगा 3 ये गलत हो क्वेश्चन ओवर मैट्रिक्स की पहली क्लास में किया हमने पहला नहीं तो दूसरे में
ये शुरू क्लासेस में मैट्रिक्स जब शुरू किया होता ही है एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल इज जीरो हेलो ये स्टूडेंट्स डन यस सही है आज रे दो इधर हो भैया यस सर डन शॉर्ट में डिफरेंशिएशन समझ ही गए हो गया तक तो आप देख ही रहे होंगे बहुत आसान तो फोर्थ पार्ट चैलेंजिंग आधा हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट तंग करेगा
ऑल ऑफ यू फर्स्ट थ्री पार्ट्स। हेलो कोई है भाई क्लास में या सब छोड़ चले? हेलो यस सर। थोड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट। देखो पहले तीन तो ये वाला बेसिस ले लेंगे जो अभी लिया था 1xx² हो जाएगा। t ऑफ 1 इज 0, t ऑफ x इज 1। आवाज स्लो आ रही है। हेलो स्लो आ रही है आवाज? यस सर। बैटरी खत्म? ऐसे कैसे स्लो आ रही है, पहले जैसी है? सर बच्चे कह रहे हैं आवाज स्लो आ रही है। बैटरी खत्म? क्या हो गया, बिल्कुल बंद ही हो गई क्या आवाज? नहीं आ रही है सर, धीरे आ रही है। लेकिन कम कैसे होती है, बैटरी खत्म होने की? ए मैट्रिक्स है ना? हेलो यस सर। बोलोगे ही नहीं तो कैसे क्लास होगी फिर? तो ये तो चले ठीक है, मैं तो बता दूं ये दिस इज नॉट इनवर्टिबल, तो बकवास है। ये नल पोटेंट है, नल पोटेंट की सारी आइजन वैल्यू जीरो होती है। ये भी ठीक है, देयर इज अ बेसिस विद रिस्पेक्ट मैट्रिक्स इज नल पोटेंट, ये यहाँ तक ठीक है। इस वाले बेसिस में जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो नल पोटेंट हो गए। चौथे वाले में आपको बेसिस चेंज करके दिए, ये चैलेंजिंग है भाई, चैलेंजिंग है। आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को इन्हीं में आपको याद है तो जस्ट कॉल देम v1 v2 v3 v4। हाँ जी जरा आइए, बीटा के मेंबर्स v1 v2 v3 v4 अगर आपको निकालना है ब्रैकेट ही बीटा बीटा याद करो तो बीटा के मेंबर्स बीटा ये इसको vs में मेथड याद है ना, तो जो इनका आंसर आएगा इन्हीं में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। थोड़ा सा चैलेंज है, आओ जरा व्हाट इज टी ऑफ 1 0 डेरिवेटिव, व्हाट इज टी ऑफ एक्स नहीं 1 + x प्लस एक्स का डेरिवेटिव बताइए, है कोई जो बताएगा? पता नहीं भाई कौन सी गुफा में बैठे हैं आप लोग। टी ऑफ 1 + x + x² का डेरिवेटिव ये सब इनमें एक्सप्रेस करना है चारों। पहले वाले तो जीरो है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आपको तो वैसे भी क्या चिंता, सब चल रहा है मज़े में। लेट मी राइट जीरो इंटू जीरो वन। पहला पॉइंट आपको समझ? यस सर। सेकेंड पॉइंट ये वन है भाई, ये वन वैसे तो सब में आ रहा है लेकिन ये जो वन है ये इसी की हेल्प से आ जाएगा, बाकी सबको जीरो कर दी, साफ साफ दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है। तो दिस इज 1 along with 1 प्लस यहाँ जीरो लिखो, यहाँ भी विदाउट एनी काइंड ऑफ पंक्ति, ये हो गया। रुक जाइए, ठहर जाइए, ज़रा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, आगे कुछ नहीं करना। अगर इतना ही आपने फाइंड कर लिया तो इसी में बता दो मेरे को कि मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम प्लीज टेल मी, स्केलर्स देख के बोलिए। अगला कॉलम क्या आएगा? हो गया सत्या, क्या पूछ रहे हैं? बोलते काहे नहीं, इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स?
इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स आई एम आस्किंग नहीं करना ना पूरा हो गया क्वेश्चन खत्म ओवर स्टूडेंट हेलो हेलो आर यू देयर यस सर भाई देखो ये अलग मेथड से होगा आज चाहे आपने कुछ क्यों ये अभी हम करेंगे AMGM से हमने पहले भी डायग्नोसेबिलिटी एग्जामिन किया मैट्रिक्स का लेकिन वो मिनिमल पॉलीनोमियल अगर आपको याद हो तो आज करेंगे आप AMGM आइए हाथ पर चलाते हैं
ये मेथड देखना, ये पहले देखने में बोझ लगेगा नहीं तो बहुत आसान। पहले वाले में बताइए जरा, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइजन वैल्यूज बताइए, 2 है और 3 है। पहले वाले में अगर आप आएंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा मैं आइजन वैल्यूज के देख के बताइए, एक्स माइनस -3 डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए एएम है आपका लैम्डा इक्वल टू 2 का वो 2 है, डीएम है लैम्डा इक्वल टू, वो देखते हैं कितना आएगा। अगर ये दोनों बराबर आए फिर आगे चलना, व्हाट इज एएम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 3 1, व्हाट इज जीएम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 3। भाई जरा ध्यान से सुनिए आप सभी, अगर आपने लास्ट क्लास कल वाला जो क्लास था तभी आपको बताया था, क्या क्या बताया, ये बताया कि भाई एक तो एएम हमेशा जीएम से बड़ा है, ये एनालिसिस वाला नहीं अलजेब्रा वाला। एंड ये जो जीएम होता है, जीएम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन ऑफ जो भी नल स्पेस है, नल स्पेस के अंदर तो आइजन वेक्टर्स घुसे हुए होते हैं, आइजन वेक्टर तो इन्हें डायमेंशन हमेशा एटलीस्ट 1 रहेगा ऑलवेज, जीएम मतलब जीएम हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा ही रहेगा, उससे कम नहीं हो सकता। इधर आइए इधर, अरे देखो बाबा जीएम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 3 ये 1 से ज़्यादा है और ये एएम से तो कम रहता ही है, यस इसका 3 कितनी बार अगर एक ही बार तो आ रहे हैं, बढ़िया मैं पूरा देख के बताइए क्या मिला, 1 इससे लेस है और ये 1 से लेस, तो 1 ही हो गया। मतलब डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए आपको सिर्फ ये वाला करना है लैम्डा इक्वल टू एग्जामिन। आइए ये मेथड बिल्कुल अलग है और ये लंबा होने के साथ साथ लॉजिकल अलग है, प्लीज सी बाबा इधर ध्यान लगाइए, छोड़िए सब मिलेगा बाकी चीज़ों से। दैट इज नलिटी, नलिटी का मतलब n माइनस रैंक, मैट्रिक्स में n कितना है 3x3 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2 है, उसमें टाइम्स आइडेंटिटी माइनस कर, शुरू शुरू में ही परेशानी, बाद में कभी भी मेथड फरमाइए क्या क्या आएगा, 0 0 1 0 1 0 लास्ट में 0 0 ठीक है ना। ये रैंक तो शक्ल देख के पता लग रहा है, लो रोल लो थोड़ा सा, सॉरी समझ में आ गया, ये बड़े आराम से क्या इसका एम और इसका एम टू का मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा, दिस इज नॉट डायग्नाइज, आई थिंक ये आपको समझ, फिर वही रिपीट करूँ, ये मेथड लंबा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, गलती नहीं, ये इतने नाइस स्टेप्स हैं आपको आदत हो जाएगी, कर लीजिए पहले तो पहला पार्ट किया है, एक एक करके सारे पार्ट्स करेंगे, प्लीज डू।
Yes. Done. Hello. Third part करेंगे. Part number three. Eigen values क्या? करना तो पड़ेगा साथ. ये तो. Third part में. पर x minus के साथ साथ x minus आ रहा है. दो बार. आपको सबको साफ साफ दिख रहा है. am of lambda equal to 2 1 है. gm of lambda equal to वो भी 1 है. 1 कैसे? थोड़ी देर पहले समझे. तो gm है वो हमेशा am से लेस रहेगा और ये हमेशा 1 से बड़ा तो होता है. ये भी 1 ही है. तो ये चीज 1 से लेस भी है ग्रेटर भी. पर आप 3 के लिए करेंगे. यस व्हाट इज am विद रिस्पेक्ट lambda equal to 3 2 दो बार आ रहा है. जैसे gm lambda equal to 2 के लिए दो बार आएगा. lambda equal to 3 तीन बार आएगा. क्या ये जरा कर लेते हैं. थोड़ा सा ध्यान दीजिए आराम से. साथ दीजिए ये माइनस कितना 3i. ये a है और 3i का मतलब आराम से हो जाता है भाई. कोई परेशानी नहीं आएगी. मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे ये माइनस कर तो इट इज 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 3 है. माइनस 3 इज माइनस 1 1 0. 3 माइनस 3 लास्टली 0 0 0. अभी रैंक बताओ तो मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के. अगर हमने सही सही किया तो लेट मी चेक. माइनस माइनस 3 बिल्कुल इट इज 3 माइनस 1 2 आ गया. ये 2 आ गया तो ये भी आसान है. देख लेते हैं. सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट तो दिस मस्ट बी एक वॉक क्रॉस टू मत द प्रॉब्लम. ये एक ऐसा मैट्रिक्स है पहले नोट कर लीजिए. पहले पे ये वैसा मैट्रिक्स है जिस सारी एंट्रीज वन है वो बहुत कराया है. ये आइजन वैल्यूज याद करिए. मैट्रिक्स इन विच एवरी 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 एंट्रीज वन वन वन. ये आइजन वैल्यूज याद है आपको. 0 0 0 0 0 सारी जीरो बस लास्ट वाला ट्रेस. सो दैट इज 0 0 0 0 0 और ये आपका एन है. ठीक है ना. कराया है आपको क्लास में. कराया बहुत बार कराया. डोंट वरी. तो ये इसकी जो आइजन वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी. 0 एंड 2. तो 2x2 मैट्रिक्स है आपका. उसमें दोनों डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू. डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज में तो डायगोनलाइजेबल आ जाएगा. कैसे. एम जी एम छोड़ो. एम जी एम व्हाट इज एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 1. व्हाट इज एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू दैट इज आल्सो 1. जब एम 1 है तो जी एम भी 1. क्लियर हो गया आपको. यस ऑनलाइन
Are you sleeping? You're trying to sleep. Yes, online. Are you there? Yes, sir. बोलते क्यों नहीं? रिप्लाई काहे नहीं करते? Why don't you reply? सर वाइस भी बना तो समय नहीं दिया. बोल रहे हैं? फिट कीजिए. सर वाइस स्लो आ रहा था. का वाइस स्लो आ रहा था? आपका या हमारा? बस भी करो यार. लास्ट वाले में आई थी. या तो आइजन वैल्यूज कर लीजिए नहीं तो वैसे देख लीजिए. 2x2 मैट्रिक्स है. रो सम तो नहीं लेकिन कॉलम सम. यस कॉलम सम. 2+1 3 4-1 एक आइजन वैल्यू. स्क्वायर मैट्रिक्स में या तो रो सम सेम होना चाहिए या कॉलम सम. स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर में. हाँ जी इसका बिकॉज कॉलम सम इसका आपका 3 आ रहा है तो 3 इज एन आइजन वैल्यू. इसका कैसे निकाल? आइजन वैल्यू ट्रेस होता है ना. 3+α=ट्रेस. कितना आ गया? दो आइजन वैल्यूज आ गई. आप यस डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू. दिस इज ऑल्सो डायग्राम. इज इट क्लियर? सॉरी इज इट क्लियर? लास्ट वाला भी डायग्राम भाई कुछ बोल दो. यस सर. यस सर. Yes, last question. Last question was good. Last question was good. We'll say. कर दो आप एएमजीएम वाले मेथड से.
कुछ तो वैसे ही हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आइजन वैल्यूज मेन डायगोनल एंट्रीज ऑल द आइजन वैल्यूज सबका एम वन है तो जी एम भी वन आएगा एम जी एम डायगोनल बिना कुछ काम ही हो गया काम तमाम. सेम ईयर सेम ईयर आर यू लिसनिंग इक्वल अगर ए एम वन जी एम वन है सेकेंड डायगोनलाइजेबल है फोर्थ डायगोनलाइजेबल आपको वही प्रॉब्लम आ गई जो थोड़ी देर पहले फर्स्ट बार आइजन वैल्यू वन है दूसरे पे एक ही बार इसके लिए ए एम जी एम के टू के लिए तो बराबर है ही वन के लिए निकाल ए माइनस आई यस जीरो जीरो रैंक बताइए इसका कितना आएगा. ये तो दो आ गया बढ़िया हो गया काम. ये भी टू आया ए एम जी एम बराबर है और लैम्डा इक्वल टू टू के लिए तो बराबर है ही. दिस इज ऑल्सो नाइन क्लियर हो गया. ये मेथड बहुत अच्छा है लेंथी भले ही हो बट बहुत अच्छा मेथड. अब ऐसे ही थर्ड कर दो. ये हम कहाँ चले गए थे वो थक गया था वापस कैसे आगे लगे थोड़ा रेस करके दोबारा कर लिया जाए. थर्ड में जब जीएम देखेंगे वन का तो बराबर नहीं आएगा. थर्ड ये सम वेटिंग फॉर थर्ड इसमें से आइडेंटिटी माइनस करें ए माइनस आई वन आ गया तो ये दो आए लगे ए एम जी एम के बराबर. क्लियर हो गया आपको डायगोनलाइजेबल नॉट डायगोनलाइजेबल. हाँ जी ये क्वेश्चन करिए जरा.
have to do. सिंगल कलेक्ट करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, क्या है वो आप जाना। सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, डोंट वरी। क्या क्या आइजन बोले, आइजन वाले डायग्नोजेबल करना ही पड़ेगा, आइडम्पोर्टेंट चाहिए। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स आइडम्पोर्टेंट है, इफ़ इट इज़ आइडम्पोर्टेंट, इफ़ बाय चांस, तो डायग्नोजेबल हो ही जाएगा। आइडम्पोर्टेंट के लिए सिर्फ ये देख लीजिए, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा आ रहा है नहीं, ये तो देखना है। पहली एंट्री भी अगर बराबर नहीं आई तो आगे बढ़ने की जरूरत। This is not important. Can't be. Important के लिए determinant देख लिया करो। Determinant zero आ रहा है, यानी कोई भी agent value। Important में तो सारे agent value zero होनी चाहिए, नहीं आएगा, don't। वैसे भी ये तो है, चलते ही हैं। एक important matrix कब diagonalizable होगा? Zero होगा। Zero matrix तो है, खतरा है भाई। कर लीजिए check। फटाफट कीजिए, आइजन वैल्यूज निकाल के दीजिए यार, कम से कम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल सॉल्व करके आइजन वैल्यूज तो निकाल दो। पहले रो का सम, दूसरे रो का सम, लेकिन तीसरे रो का सम से ना कॉलम का सम से अटका अटका के आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से करना पड़ेगा। कर लो, बहुत टाइम लगा दिया।
बहुत टाइम लगा दिया भाई, नॉट इवन वैल्यूज आएंगे आप 1 मिनट। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से करिएगा, क्यूबिक आएगा, क्यूबिक का पहला रूट बाय ट्रायल निकाल लीजिए आ जाएगा 1 1। हाँ जी आइए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल एक्स माइनस आपको 2 के लिए तो कुछ नहीं, जिसका ए एम 1 है तो जी एम भी 1 के लिए कर लो। व्हाट इज ए एम इक्वल टू, व्हाट इज जी एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस रैंक निकाल के दे देना आइडेंटिटी माइनस फोर माइनस माइनस टू माइनस वन माइनस, ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं है। तो ये वाले से नहीं तो डाउन होता है, तो ये उल्टा नहीं जाना। ये आप चाहें तो इसको नहीं स्केल कर सकते 3 से, इसको भी 3 से अपने आप ही, तो काफ़ी सारा कुछ हो, ये तो दिख ही रहा है। तो इसमें ये कॉलम और ये कॉलम तो रैंक 3 तो नहीं है, ये दोनों देख लीजिए आपस में मल्टीपल्स हैं, ये भी है माइनस वन, बनाएगा ना धनराज, खाली कॉपी करते रहते हो। ये भी 2 है, ये भी 2 है, और डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इज इट इज नॉन जीरो मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल, क्वेश्चन ही नहीं है। अगर वो रोसम या होता ना तो सब कुछ करके देख ले, वैसे ही करना कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से। जब थर्ड डिग्री का पॉलीनोमियल आएगा सामने, रूट्स बाय ट्रायल निकाल, बाय ट्रायल 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा उस थर्ड डिग्री पॉलीनोमियल को, बस तो उससे एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर लेना। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, खाली कॉपी करते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अरे कुछ आवाज नहीं निकल रही तुम लोग, कहाँ जा रही हो देर? यस सर, बोलते क्यों नहीं? एक महीने आपका एग्जाम है, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? चलिए ये क्वेश्चन करिए, जस्टिफाई करना है आप।
10 यानी 10 क्रॉस 10 Please justify it. देखिए इसमें कैसे सोच ये कैसे सोचना चाहिए वही जरा ध्यान से देख फिर माइनस लगाएंगे तो भी हो जाएगा डिटरमिनेंट ले लो this multiplied with equal to minus 1 का power 10 ठीक लिखा है मैंने कुछ determinant of i तो हमेशा उधर वाला 1 this implies determinant of a multiplied with determinant of a plus i equal to 1 1 का मतलब 0 या non-zero आप बताइए जरा ये आप बताइए दोनों का product non-zero हो रहा है तो ये भी तो non-zero ही होगा होगा या नहीं होगा Yes, मिल गया आंसर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो अब आगे बोला बताओ इन्वर्टिबल हुआ है yes, sir. ये तो यही दिख रहा था तो ए के साथ कोई बी मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी देगा तो वही इन्वर्टिबल हो गया ये सब तो एक्चुअल वेरिफिकेशन है इट ओके जब कभी भी आपको ए के साथ कुछ सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मिल रहा है तो वो इन्वर्टिबल यही काम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है अरे So this is true actually. ये question हमारा question तो आ गया ना minus वाला इधर ले जाओ क्या vertical के लिए तो चाहिए नहीं सर ये तो a b आया what about b a तो same order के matrix a b से b a आ जाएगा कोई चिंता वाली बात अब तो वैसे भी चिंता नहीं करते
हाँ जी, इसमें अगर ये पूछ लेते तो क्या करते हैं तो रिकॉग्नाइज कर। अब क्या करोगे? ये भी है, सात वाला भी तो आएगा। समझ गए, दोनों चीजें आ जाएंगी। रीजन ये रहा कि ये दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो, तो इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो। This implies A is invertible. Last question for today. कर देना, लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज भी काफ़ी सारे एग्जाम के प्रॉब्लम्स हो गए। ये अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से तकलीफ हो रही है तो मैं पिछली दो क्लासेस से पता चल रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ले ले याना जरा, तो पिछला कोई ए स्क्वायर ए माइनस, तो दिस इंप्लाइज सर 1, 3 और 4 ट्रू है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आश implies a minus a square identity. This implies a along with i minus a is identity. You know what next? दोनों invertible हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? अभी आपको कारण भी बताया था, both a and i minus a बोलिए invertible। ये आपका t हो गया, ये आपका i minus t हो गया। t is invertible true, t minus, अरे भैया अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो उसका नेगेटिव भी इन्वर्टिबल होगा।
वो नॉट कह रहे गलत हो, ठीक है। तो आते हैं थर्ड पे और फोर्थ, ये थर्ड वाला इधर से नहीं है, फोर्थ भी इधर से नहीं है, पहले इसको लिख लो। थर्ड पे और फोर्थ दोनों पे, फोर्थ तो कर लेते हैं, थर्ड पावर तो निकालना है, सेकंड पावर के साथ एक बार और टी मल्टीप्लाई, लास्ट ऑप्शन तो हो जाना चाहिए। थर्ड पावर निकाल के बताओ भाई, बैठा है क्लास में नहीं बैठा है? यस सर, फोर्थ वाला ट्रू है। आ गया ना, ये टी स्क्वायर की जगह दिया ही हुआ था, ये भी ट्रू है। अब बचा आपका आइजन वैल्यू का हिस्सा। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इक्वल टू जीरो इंप्लाइज टी सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल माइनस दिस इंप्लाइज जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, डिवाइड करेगा इसको टी एक्स डिवाइड एक्स माइनस एक्स, रूट्स क्या क्या आएंगे, क्वाड्रेटिक है, ये तो दोनों रूट्स ही इमेजिनरी लेके बैठे हैं भाई। तो जो मिनिमल पॉलीनोमियल है उसके रूट्स तो इमेजिनरी है, रियल का है, और जो मिनिमल पॉलीनोमियल के रूट्स होते हैं वही तो आइजन वैल्यू, रियल नहीं है। फर्स्ट इन चलिए भाई, बहुत लंबा खींच दिया आज भी, थैंक यू वेरी मच, पूरा करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली द लास्ट क्लास फॉर दिस जैम स्टूडेंट, लास्ट ही हो, नेट वाले गेट वाले रह जाए, देखते हैं चांसेस हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। आती